प्राण क्या कर रही हो? खेल रही हो? ये क्या? अच्छा, ऐसे खेलते हो? दिखाओ दिखाओ, हाथ परे करो इसको, और ज्यादा करो, फिर दोबारा करो, फिर दोबारा। कैसे करेंगे? एक ही में करे सू ऐशा परवल, दोबारा करें। देखो खोल दे अच्छा मकवाने वाला और नमारी बाज आए। अच्छा सुई जाती है दे तीली है बुहारी वाली तीली है यही में खिली ना हो दे। वाह तेरे कमाल। चलो तू तो हूँ आके, आज जुम्मा है, मेरी तरफ से आप तमाम व्यूवर्स को जुम्मा मुबारक। तमाम व्यूवर्स को तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। पूरा करके दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज जुम्मे का दिन है, मेरी तरफ से आप तमाम व्यूवर्स को, देखने वालों को जुम्मा मुबारक। आज माह रमज़ान का आखिरी जुम्मा है। अल्लाह पाक इस नेक दिन के सदक़े में हमारी नमाज रोज़े इबादतें अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाए। आमीन सुबह आमीन, और हमें नेक रास्ते पर चलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसी नेक दुआ के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे, नागहानी आफतों से महफूज रखे। अभी मैं ऊपर किचन में आई हुई हूँ तो अभी काम स्टार्ट करते हैं। सालन मैंने बनाया है भिंडियों का, तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो का अंत तक लाजमी देखना है। और यही कहूँगी कि आज नेक दिन है, आखिरी जुम्मा है, फिर ना जाने अगले साल कौन जिए कौन मरे। अल्लाह पाक हम सबको इस नेक दिन के सदक़े में उन तमाम परेशानियों से और उन तमाम ख्वाहिशात जो हमारी जायज़ ख्वाहिशात है उनको पूरा करे और परेशानियों को दूर करे। और इस नेक दुआ के साथ कि आने वाला साल हमारे लिए बहुत खुशगवार और नेक साबित हो, आमीन सुम्मा आमीन। और जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको नेक सादतमंद औलाद से भी नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। औलाद जैसी नेमत से किसी को भी अल्लाह पाक महरूम ना रखे, यही मेरी हर वक्त हर पाँच नमाज के बाद, हर नमाज के बाद यही दुआ होती है, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने वीडियो का सालन बनाया है थोड़ा सा, ये देखिए। और आज फिर से कढ़ाई को धोया हुआ है, कुछ बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं आज। ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें कटी की हुई हैं। ये देखिए मैंने आटा भी गूंद के रखा हुआ है, अभी जो है ना बनाते हैं समोसे। ये देखें इसको अच्छी तरह मैश करते हैं, इनको आपस में मिक्स करते हैं। ये हर चीज़ इस पे मैंने डाली है, आलू हैं बॉईल किए हुए, सब्ज़ धनिया मिर्चें, इसको हाथ के साथ पलते हैं गरम है। ये देखिए गरम है गरम। बना के रखते हैं फिर ये। जो मैंने मशीन ली थी ना उससे बना रही हूँ। ये देखिए ये यहाँ से डिजाइन भी बने हुए हैं। ये देखिए इतने सारे बनाए, अभी फिर जब सारे बना लूंगी तो फिर जाके ऊपर वो कर लूंगी। कढ़ाई में तल लेंगे,
बजे का टाइम हो गया है, बस 2-3 मिनट रहते हैं। यह है बाहर का व्यू। साबर भाई को भी आज रोज़ा है। सब लोग चले गए, भाई दिलदार भी चला गया। ये देखिए व्यूअर्स, पकौड़े हमारे बन गए हैं, बन रहे हैं बल्कि। ये देखिए आपके कमेंट में, मेरी वीडियो के कमेंट में ये भी आया हुआ था कि हमारे जो पकौड़े हैं ना वो अंदर से कच्चे हो जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं ना इस फुल इसके साथ, ये जो है इसको पता नहीं क्या कहती है चले आपने बताना कि क्या कहते हैं, उसके साथ मैं यूं 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 करती रहती हूँ, इनको दबाती रहती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ, भाई लोग खाते रहते हैं वो, तो उन्होंने तो कभी नहीं मुझे बताया कि जो है ना वो है क्या कहते हैं अंदर से कच्चे हैं, नहीं होते। हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं, नहीं होते। ये देखिए गरम है, ये देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा इफ्तार कर लिया है, नमाज भी अदा कर ली है, शाम भी हो गई। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज 3 रोज़े इख्तिताम को पहुँचे। देखिए अभी आप नजमा भी, अस्सलाम वालेकुम, ये भी हमारे साथ जा रही है जी, क्योंकि उन्होंने बुलाया है तो मैंने कहा कि मैं और अहमद रसनैन जाते हैं। तो कार पे इतने सारे सब कैसे जाएंगे विवाद में परेशान मैं अकेले कैसे जाऊं, फिर बच्चे इतने सारे बंदे एक कार छोटी सी कार, कहते हैं कि आप चले जाएं, तो क्योंकि 2 कारें करवाएं फिर सारे जाए ना, 1 कार का पर मैंने कहा कि चलो आधा किराया मैं दे दूंगा, आधा आप दे देना, 50-50 करें। हाँ किरण को सूट सही लग रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यार लग रहा है, और आप दोनों को नजर न लगे आज सारे उधर मेहमान भी होंगे, काफी सारे पूरी बरादरी होगी आज जी, क्योंकि काफी सारा इंतजाम कर रहे हैं, 15 देगी हैं तकरीबन जी, अल्लाह कबूल करे। आमीन। और उसको जितना दे इसकी नानी को, रमजान का कितना रोजा था, पहला दूसरा, पहला चांद नजर आया था तो उसकी डेथ हो गई। चांद वाली, हाँ चांद नजर आ गया था, तो वह रमजान का आखिरी जुमा रात है, तो इस वजह से ना उन्होंने कहा कि कोल खानी कर देते हैं, दावत भी हो जाएगी, तो दावत भी हो जाएगी उनकी, तो यहाँ पर जहाँ से भी एक एक दो दो बंदे जो है ना, सब बुलाया सबको है, लेकिन वहाँ पर भी है, शाम को अफ्तारी भी कराएंगे, शाम को अफ्तारी वहीं पर होगी, तो मौलवी भी बुलवाए। हाँ